राम महायज्ञ है और ये प्रति साल जो है, मैं जब से राम जन्म भूमि का ये विवाद चल रहा है, मेरे विगत कई सालों से लगातार हम करते आया हूँ ये श्री राम महायज्ञ। श्री राम जन्म भूमि के पहले बाधाएं के लिए कि बाधा जल्दी हटे और राम मंदिर भव्य निर्माण हो, इसके बाद मंदिर फैसला होने के बाद जब से कोरोना काल महामारी के कारण जो है रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं नहीं कर पाया, तो इस बार गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यह श्री राम महायज्ञ हो रहा है। और एक और उद्देश्य इसका होता है हमारा कि हम संत महात्मा हमारे जो है बसंत पंचमी से और जेठ गंगा दशहरा तक धूनी तपते हैं, पंच अग्नि धूनी तपते हैं, तो उसका भी उस दिन विसर्जन होता है। 4.5 महीना अग्नि में बैठ के भजन करते हैं तो उसका भी समापन होता है। तो एक पंथ दो काज हो रहा है, एक तो श्री राम जन्म भूमि का भव्य जल्दी से जल्दी निर्माण हो उसकी खुशी में यह श्री राम महायज्ञ कर रहे हैं, और दूसरा हमारे संतों का धूनी विसर्जन होना है तो उसके उपलक्ष्य में भी ये हो रहा है। और ये कोविड महामारी का जो दौर चल रहा है ये जल्दी से नष्ट हो और इसका ये ख़त्म हो ये महामारी, और लोग जो इतने हमारे देश में महामारी से कोविड के कारण जितने हमारे देश में लोगों की मृत्यु हुई है उसके आत्मा की शांति के लिए यह श्री राम महायज्ञ कर रहे हैं। ये 9 ब्राह्मण हैं और इनके द्वारा हो रहा है, और ये श्री राम महायज्ञ 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ है। और ठाकुर जी की संकट मोचन हनुमान किला, श्री सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान किला, श्री अयोध्या धाम में यह श्री राम महायज्ञ चल रहा है।